नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए दोस्तों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ में दोस्तों हमारे पास क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे पास शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं नया सत्र किस प्रकार से होगा, बोर्ड एग्ज़ाम किस प्रकार से होगी और कॉलेज के लिए जो नए रूल है वो किस प्रकार होंगे। तो दोस्तों इस खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय में किस प्रकार के बदलाव दिखेंगे, शिक्षा मंत्री जी के निर्देशन के अनुसार जो बोर्ड के पेपर ड्यू है, पेंडिंग है, वो किस प्रकार से पेपर होंगे। तो दोस्तों अजमेर के जो मैसरी दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति जी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोफेसर आर पी सिंह जी के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आगे का जो सत्र है वो किस प्रकार के होगा और हमारे जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम किस प्रकार से लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए काफ़ी नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और ये रूल्स है दोस्तों अभी जो अगस्त और जुलाई में पेपर होंगे नीट जेई उसमें दिखेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे पास जैसे ही स्कूल कॉलेज के जो एग्ज़ाम हैं उससे संबंधित लगातार नई अपडेट मिलती आ रही है, उसी अपडेट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अगला जो सत्र है वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं अगस्त या सितंबर में प्रारंभ होएगा। तो इससे संबंधित है न्यूज़। और उसके बाद में दोस्तों अजमेर से न्यूज़ निकल के आ रही है CBSE RBSE और जितने भी भारत के अन्य बोर्ड हैं उन बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो कब तक होगी। तो इसमें जो रूल है दोस्तों डिस्टेंसिंग के रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो CBSE परीक्षाओं की जो बोर्ड की कॉपियां हैं वो कॉपियों जांच करने के लिए 3000 विद्यालयों में होगी कॉपियों की जांच। CBSE करेगा केंद्रीकृत मूल्यांकन। देखिए दोस्तों इसके लिए किस प्रकार की न्यूज़ निकल के आ रही है, आपके जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं गृह मंत्रालय के निर्देशन के अनुसार उनको कॉपियों को जांच करवाया जाएगा और हमारे पास जो 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं 29 विषय और जो 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर है वो 1 से 15 जुलाई के बीच करवाए जाएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो नए रूल है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे किस प्रकार के जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास अगले सत्र के लिए रूल होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि संस्थानों में जो सभी कक्षाएं और वर्ग हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में टेम्पो में डिस्टेंसिंग, क्लासों में ऑड इवन फार्मूला, प्रार्थना नहीं होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी में दोस्तों यहाँ पर अहम रूल का पालन किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो परिसर है उसको सैनिटाइज, मास्क और मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया और डिस्टेंसिंग का पूरा जो है प्रक्रम उसको अपनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो भारत में जो प्रमुख जो कोर्स है वो कौन कौन से है। IIT का जो कोर्स है जिसमें BTEC करवाई जाती है, उसके अलावा IIM कॉलेजेस है, नीट वाली कॉलेजेस है जिसमें MBBS करवाया जा रहा है। तो इन सभी कॉलेजों में कौन कौन से कोर्स है, कितने स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों जल्द ही आपके बीच में नई न्यूज़ निकल के आएगी सत्र के रिगार्डिंग। धन्यवाद दोस्तों।